हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोग अपने एक्सप्रेस से बनाए हुए बैकएंड को वर्सल पर कैसे होस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को लिखा हुआ एंड एक बेसिक जो एक्सप्रेस का बैकएंड है वो हमने सेटअप कर दिया। मीन्स होम पे अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो यहाँ पर जाएगी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा मैसेज में। एंड यहाँ पर हमने पोर्ट ले रखा है 3000। एंड यहाँ पर हमने मीन्स ये तो आपका प्रोजेक्ट में ऑलरेडी होगा, जो हमने नया क्रिएट किया है वर्सल के लिए वो है वर्सल डॉट जेसन फाइल। तो इस फाइल का जो कोड है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वर्सल डॉट जेसन नाम से एक फाइल क्रिएट कर सकते हो अपने बैकएंड फोल्डर में एंड ये जो कोड है उसको इंसर्ट कर सकते हो। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने वाले हैं वर्सल पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गिटहब पर आकर के अपनी नई रेपोजिटरी बनानी है एंड यहाँ पर लिखना है वर्सल बैकएंड। आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने बेसिकली वर्सल बैकएंड दिया हुआ है नाम। एंड फिर आपको डायरेक्ट क्लिक करना है क्रिएट रेपोजिटरी पर। इस तरीके से आपकी रेपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना। रेपोजिटरी क्रिएट होने के बाद आपको डायरेक्ट कॉपी पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको उन सारे कमांड को पेस्ट कर देना है यहां पर। नाउ आपको प्रेस करना है एंटर। सो अब आपको यहां पर लिखना है गिट एड डॉट देन गिट कमिट माइनस एम अपलोडिंग बैकएंड फाइल्स। नाउ आपको लिखना है गिट पुश। सो इस तरीके से आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो गिटहब पर अपलोड हो चुकी है। सो नाउ अब आप यहाँ पर ओपन कर सकते, इसको रिफ्रेश कर सकते हो तो आपको पूरी जो बैकएंड की फाइल्स थी यहाँ पर शो हो जाएंगी। सो इस तरीके से हमने गिटहब पर हमारे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अब हमें जाना है वर्सल पर। सो वर्सल पे आप फ्रीली कोई भी प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक अकाउंट बना लिया है वर्सल पे, आप भी अकाउंट बना सकते हो अपना। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर रिपोजिटरी का। ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले होम पर चल जाते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्सल डॉट कॉम पर चल जाएंगे। वर्सल डॉट कॉम जब आप लोग साइन इन करोगे तो आपका भी ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नाउ अब आप लोग ऐड न्यू पर क्लिक करोगे, देन आप लोग क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे। सो प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर मीन्स एक नया वो जो प्रोजेक्ट है वो शो हो जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप लोग एक और नया गिटहब अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक गिटहब अकाउंट ऐड कर रखा है, तो एंड मैंने जो रिपोजिटरी अपलोड करी है वो भी इसी अकाउंट पर है। तो अब मैं यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करता हूँ। नाउ अब यहाँ पर जो नाम आप लोग लिखोगे ये बेसिकली आपको बैकएंड की यूआरएल में शो होगा। तो आप नाम ऐसा लिख सकते हो जो ऑलरेडी यूज नहीं हुआ हो, तो बेसिक बैकएंड कोड। इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है, देन आप लोग एडिट पर क्लिक कर सकते हो, देन कंटिन्यू। सो ये सब करने के बाद आपको जस्ट क्लिक करना है डिप्लॉय पर। सो जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो चल रहा है अभी। सो फाइनली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो चुका है वर्सल के ऊपर। एंड जो होम स्क्रीन है उसमें मैसेज में हमें हेलो वर्ल्ड मिल चुका है। सो बेसिकली इस यूआरएल पर हमारा बैकएंड लाइव हो चुका है एंड आप इस यूआरएल को ओपन कर सकते हो अपने पीसी पे। मतलब कोई भी अगर इस यूआरएल को ओपन करता है तो उसको हेलो वर्ल्ड शो होने वाला है। आज की वीडियो में इतना काफी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।